नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मालवदे अहमदनगर महाराष्ट्र से। ये रॉयल इनफील्ड का एम्पियर मीटर है, इसको मल्टीमीटर से कैसे टेस्ट करने का ये इस वीडियो में जानेंगे। ये एम्पियर मीटर, इसका चार वायर आता है इसमें, इसके चार वायर का इसका सॉकेट रहता है। इसमें ये जो 4 mm का जो छोटा वायर दिख रहा है, एक ब्लैक वायर इसका कटा हुआ है इधर अंदर, वो पार्किंग लाइट का है। जो पार्किंग लाइट इसमें अंदर पार्किंग लाइट जलता है उसका 2 वायर है। और ये 5 mm का जो वायर दिख रहा है, ये लाल कलर और लाल पे पीला पट्टा। लाल कलर जो है ये बैटरी का पॉजिटिव सप्लाई है मेन, और ये लाल पे जो पीला पट्टा है ये इग्निशन और रेगुलेटर का सप्लाई है। रेगुलेटर का सप्लाई जो आता है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, ये एम्पियर मीटर में शो करता है वोल्टेज कितना वोल्ट से करंट आ रहा है, एम्पियर से आ रहा है। ये इसलिए ये एम्पियर मीटर दिया रहता है, इससे पता चलता है कि चार्जिंग सिस्टम चल रहा है कि नहीं गाड़ी का। इसका एम्पियर मीटर का यही यूज़ रहता है। अभी इसका टेस्टिंग करते आपको बताता हूँ। इसका 2 मेथड से टेस्टिंग होता है। इसका कंटिन्यूटी इसके अंदर जो कॉयल रहता है इसका कंटिन्यूटी चेक करने का, और दूसरा ये कभी कभी ये जो 8 नंबर के जो बोल्ट दिख रहे इसमें थोड़ा सा इंसुलेट किया रहता है कॉयल, ये कभी कभी बॉडी अर्थ हुआ तभी ये शॉर्ट हो जाता है कभी कभी। बॉडी अर्थिंग का ये दोनों तरीके से इसको चेक करेंगे। इसको मैंने एक अलग सा सॉकेट लगाया हुआ है, ये पार्किंग लाइट का जो 2 वायर है इसको मैंने टेप मारा हुआ है ब्लैक कलर में। अभी अपने को ये 2 ही वायर से मतलब है, ये पीला वाला लाल पट्टा और ये रेड कलर का। मैंने लाल वायर को अभी ये वायर कनेक्ट किया हुआ है मल्टीमीटर का निगेटिव, इस पे मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी पे सेट किया हुआ है। और इसका दूसरा रेगुलेटर का जो वायर आ रहा है इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसको, ये देखो 0 रीडिंग दिखाया और बीप का साउंड भी आया, इसका मतलब इसका कंटिन्यूटी ओके है कॉइल का, ये एम्पियर मीटर अच्छा है। इससे आप मन जान सकते हैं मीटर अच्छा है। इसका दूसरा टेस्टिंग करेंगे। मैंने ये जो पोल दिख रहे ये दोनों, या एक आउटपुट और एक इनपुट है, ये कभी कभी इसमें बॉडी में शॉर्ट हो जाता है। कॉइल भी अंदर से शॉर्ट हो गया तो इस पर बॉडी अर्थ दिखाएगा, मगर शॉर्ट नहीं रहा तो बॉडी अर्थ बिल्कुल ही नहीं दिखाएगा। अभी इसको बॉडी ये स्टील का बॉडी बनाया हुआ रहता है, जो हेडलाइट के कैबिनेट में फिटिंग होता है एम्पियर मीटर। अभी देखो इसको मैं बॉडी अर्थ किया हुआ है, कोई भी रीडिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाया, इसका मतलब इसके में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अपने पास गाड़ी नहीं है, अभी इसको मैंने चार्जर बैटरी चार्जर जो रहता है इसे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे चार्जिंग करता है, ये रीडिंग कैसे दिखाएगा। ये मैं अभी चार्जर का स्विच ऑन करता हूँ, ये देखो ये पॉजिटिव में चला, समझो गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ये 3-4 एम्पियर से रीडिंग दिखाता है। और इसको जब इग्निशन स्विच पे कोई लोड देंगे तो इसका, मैं अभी वायर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये माइनस में पोजीशन में आएगा। समझो हेडलाइट हो, हॉर्न हो, इंडिकेटर हो, जो भी लोड दिखाएगा ये माइनस में चला जाएगा। मैं अभी वायर चेंज किया हुआ है, अभी इसको चार्जर ऑन करके देखता हूँ मैं, तो ये निगेटिव पोजीशन में आएगा। समझो इग्निशन ऑन होने के बाद जो भी लोड देंगे ये माइनस कंडीशन में आएगा। ये देखो ये माइनस कंडीशन बोले तो
जो हेडलाइट होगा, इंडिकेटर हो, हॉर्न हो, इसके माइनस पोजीशन में दिखाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको मैकेनिक भाई को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनको भी ये इसकी जानकारी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।